मुझे पता है कि तुम एग्जाम्स में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम ला सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारा सपना है टॉपर बनना, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम टॉपर बन सकते हो। मुझे पता है यार कि तुम दिन के 18-18 घंटा पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम पढ़ पाओगे। तो मेरे भाई, तुम इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते जाओ। इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद 100 क्या, अगर 100 से भी ज्यादा लाना होगा ना, तो आई गारंटीड तुम ला सकते हो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुकेश अंबानी, ये ऐसे लोग हैं ना जिनके जैसा पूरा दुनिया बनना चाहता है। ये ऐसे लोग हैं ना जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में है। ये ऐसे लोग हैं ना जो पूरी दुनिया को इधर से उधर हिला सकते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं तुम्हें, ये भी एक नॉर्मल इंसान ही यार, बिल्कुल हमारे तरह। लेकिन ये लोग इतना रिच, इतना सुपर सक्सेसफुल, पावरफुल इंसान कैसे बन गए? ये लोग कैसे पूरी दुनिया से हट के सोचे और इतिहास रच दिए? सिर्फ एक रीजन है, और वो है ये लोग बस सोच लिए कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सबसे पावरफुल इंसान बनना है। टाइम लगा, लेकिन आज बन के बैठे हैं। मेरे भाई, इंसान की सोच ही डिसाइड करती है कि उसे क्या बनना है, कहाँ जाना है और कैसे रहना है। अगर तुम्हें भी 100 में से 100 नंबर लाना है ना, तो बस अपने अंदर गांठ बांध लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो लाने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बस लाने हैं तो लाने हैं। अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है, तो अपने आप को दो थप्पड़ मार और बोल, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे टॉपर बनना है तो बनना है। कैसे बनना है बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। पूरे 24 घंटे में तुम्हारा एक एक सेकंड कहाँ जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो। पढ़ाई के अलावा जितना भी टाइम कहीं फालतू कामों में जा रहा है, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, ये सारे चंगुल से अपने आप को पहले दूर करो। अगर इन सब चीजों में उलझे रहे, तो तुम जिंदगी भर इन्हीं सब चीजों में उलझे रह जाओगे मेरे भाई। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 24 घंटे क्या कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को जितना खाली रख सकते हो रखो, तभी तुम अपने सपनों पे, अपने गोल पे, अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर सच में 100 में से 100 नंबर लाने हैं ना, टॉपर बनना चाहते हो ना, तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकालो और पढ़ जाओ। एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं, सब उसी से आते हैं। और हर टॉपर का टॉपर बनने का सीक्रेट यही होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, बिल्कुल नहीं भूलते हैं वो। पॉइंट नंबर 3, मेक अ रोड मैप, मतलब किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ चुके हो, कितना बाकी और कितने दिन में पढ़ लोगे। सो ये सब चीजें एनालाइज करो। अगर किसी सब्जेक्ट में एकदम वीक हो, तो उस पर ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा फोकस करो। और अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो मेरे भाई तुम सच में महान हो। पॉइंट नंबर 4, डू स्मार्ट स्टडी। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो बैठ के एक एक पेज पढ़ने का टाइम गया। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। नाउ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, तो हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और फिर खुद से उसे रफ पे राइट करो, सॉल्व करो। मींस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उसे पहले अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन योर सेल्फ। मेरे भाई, तुम हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तब तो पढ़ पाओगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत तेज फीवर लगा हुआ है और तुम मस्त बैठ के पढ़ रहे हो। सो सबसे पहले तुम अपने अच्छे खाने पे फोकस करो, हेल्दी चीजें खाओ, और अपने आप को, अपने बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए एक्सरसाइज करो। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है यार। ब्रदर, तुम इन 5 पॉइंट को अच्छे से अप्लाई करो, एंड आई गारंटेड 100 out of 100 कहीं नहीं जाने वाले हैं, ट्रस्ट मी, जब तक तुम खुद से चीट ना कर लो। ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।